हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बचे हुए डोसा बैटर से आपको तीन रेसिपी बताने वाली हूँ। ये डोसा बैटर है, मैंने कल डोसा बनाए थे तो ये इतना बैटर बच गया है मेरे पास। ये लगभग 3 कटोरी है। सबसे पहले मैं आपको पापड़ बनाना बता रही हूँ। मैं डोसा बैटर इस कटोरी से 1 कटोरी लूँगी। ये पापड़ खार है। कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा है कि पापड़ खार क्या होता है, तो ये पापड़ खार है, ये इस तरह से आता है और ये बहुत ही नाजुक होता है, ये टूट जाता है इस तरह से। इसका टेस्ट बिल्कुल नमक के जैसा होता है। तो ये पापड़ खार हम यहाँ पर लेंगे आधा छोटा चम्मच, नमक लेंगे हम यहाँ पर आधा छोटा चम्मच, हींग लेंगे 1 पिंच और जीरा लेंगे आधा छोटा चम्मच। हम जिस कटोरी से डोसा बैटर लेंगे उसी कटोरी से 5 कटोरी पानी लेंगे और पानी में उबाल आने पर हम इसमें हींग डालेंगे। यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। पापड़ खार डालेंगे, नमक और जीरा डाल लेते हैं। अब मैं इसके अंदर डोसा बैटर डालना चालू करूंगी और इसे विस्क से लगातार हिलाते रहेंगे। इसे बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार हमें चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। चावल अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, इसलिए आप पानी अपने अंदाज से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हो सके तो पहले 4 कटोरी पानी डालिए, 1 कटोरी पानी गर्म करके अलग रख लीजिए और उसे ज़रूरत पड़ने पर डालिए। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है और अब हम इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक इसी तरह चलाते रहेंगे। इसे इसी तरह से घुमाकर पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे ढककर 10 मिनट तक पकाऊंगी और इसे बीच बीच में हम 3 से 4 मिनट में इसे चलाएंगे। डोसा बैटर में हमारा नमक डला हुआ रहता है, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। इसे पकाते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे 3-4 बार बीच बीच में चलाया भी था। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये अच्छी तरह से पक चुका है। एक प्लास्टिक शीट के ऊपर हम तेल लगा लेंगे इस तरह से। इसी के ऊपर हमें पापड़ डालने हैं और ये आपको मैं कुछ पापड़ यहाँ पर बनाकर दिखा रही हूँ, बाकी सारे पापड़ हमें धूप में ही बनाने हैं। इस तरह से हमें इस चम्मच से आधा चम्मच घोल लेना है और इस तरह से पापड़ डाल के इसे हल्का सा फैलाना है। पापड़ हमें ज़्यादा पतले नहीं बनाना है, पापड़ हम यहाँ पर थोड़ा मोटा ही बनाएंगे। ये सूखने के बाद बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, इसलिए याद रखें इन्हें सूखा बनाने की कोशिश ना करें, सॉरी पतला बनाने की कोशिश ना करें। इसे हम इसी तरह से डालेंगे बस। ये पापड़ हमारे 2 दिन तक हमें इन्हें धूप में सुखाएंगे। अगली रेसिपी बनाने के लिए हम इसी कटोरी से 2 कटोरी डोसा बैटर लेंगे और 2 कटोरी डोसा बैटर के लिए हम 8 कटोरी पानी लेंगे। पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने पर गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और 1 छोटा चम्मच पापड़ खार डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि डोसा बैटर के अंदर भी नमक डला हुआ है। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें डोसा बैटर डालना चालू करते हैं। इसे लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ रखा है। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और अभी हम इसे इसी तरह मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर।
इसे इसी तरह चलाकर पकाते हुए मुझे यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसमें इस तरह से बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकने देंगे। जिस बर्तन में हम पका रहे हैं उसका तला मोटा होना चाहिए। हम इसे बीच बीच में 3 से 4 बार चलाएंगे। याद रखिए पापड़ वाला बर्तन भी हमें मोटे तले का रखना है। ये कुल्हड़ी की खींची, इसे पकाते हुए भी मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये मैंने पाइपिंग बैग लिया है और इसमें स्टार नोजल लगाया है। अब हम इसमें खींची डाल लेते हैं। ये काफ़ी गर्म है, इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद ही बनाएं। इससे हम देखिए इस तरह से चकली का शेप देंगे। आप बड़ी छोटी अपने अनुसार रख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से बन रही है। इसी तरह से हमें सारी बनानी है। अगली रेसिपी के लिए ये कुल्हड़ी का साँचा है, मैंने इसमें तेल लगा लिया है और अब हम इसमें खींची डाल लेते हैं। अब मैं आपको कुल्हड़ी बनाकर बताती हूँ। ये देखिए इसी तरह से हमें सारी कुल्हड़ी भी बनानी है और इसे हम धूप में ही बनाएंगे। कुल्हड़ी और पापड़ को हम 3 से 4 घंटे के बाद पलटेंगे और 2 दिन तक धूप में सुखाएंगे। ये पापड़ और ये कुल्हड़ी देखिए मैंने इन्हें 2 दिन तक धूप में सुखा लिया है। ये चकली, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सूख गई है। अब मैं इन्हें आपको तल कर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कुल्हड़ी डाली है, ये फूल कर कितनी बड़ी हो रही है। आप इस रेसिपी को बगैर पापड़ खार के भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी ये। ये देखिए चकली भी कितनी बड़ी फूलकर हो गई है। चकली को हमें दोनों तरफ से तलना है। ये पापड़ भी हमने तल लिया है। पापड़ भी देख सकते हैं फूलकर कितना बड़ा हो रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। पापड़ बहुत खस्ता बने हैं, आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि कितने खस्ता हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।